श्री खाटू श्याम परिवार सेवा समिति रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र द्वारा भव्य निशान ध्वजा यात्रा आयोजित की गई। विस्तृत जानकारी देते हुए श्री श्याम मंदिर कुरुक्षेत्र धाम के मुख्य पुजारी आचार्य शंभु प्रसाद और प्रधान सुभाष सुखीजा ने बताया कि श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष में आयोजित की गई इस भव्य निशान ध्वजा यात्रा में शामिल श्याम रथ पर श्याम जी का भव्य स्वरूप स्थापित किया गया। रथ के साथ साथ अलग अलग बैंड एवं ढोल नगाड़ों की पार्टियां भजन कीर्तन करते चली और कतारबद्ध श्याम भक्तों ने खाटू श्याम जी के गगनभेदी जयकारे लगाए। ये निशान यात्रा श्री खाटू श्याम मंदिर से चलकर भद्रकाली चौक से झांसा रोड, गुरु रविदास चौक, रोटरी चौक के रास्ते छोटा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, सीकरी चौक से पालिका बाजार और अम्बेडकर चौक पहुँची। यहाँ से रेलवे रोड के रास्ते सेक्टर 17 मार्केट, शूरसैनी चौक, अहिल्याबाई चौक तक पहुँची। यहीं से यात्रा वापस मीरी पीरी चौक होते हुए आहलूवालिया चौक, कच्चा गेर मेन बाजार और गौशाला बाजार होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंची। जगह जगह शहर के चौक चौराहों पर शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। थानेसर शहर में महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा करके श्याम आरती की गई। मंदिर समिति सदस्यों द्वारा प्रत्येक स्वागतकर्ता टीम को श्याम स्वरूप एवं अंग वस्त्र प्रदान किए गए। श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव की श्रृंखला में ही बीती शाम मंदिर परिसर में 501 महिलाओं ने श्याम नाम की मेहंदी रचाई, वहीं युवाओं ने श्याम जी के टैटू बनवाए। साथ ही महिला श्रद्धालुओं द्वारा डांडिया भी किया गया। देर रात्रि तक श्याम संकीर्तन किया गया, जिसमें गायकों ने श्याम जी के मधुर भजन सुनाए। महिला व पुरुष सेवादारों की सभी टीमें प्रसाद की पैकिंग, पंडाल, दरबार सज्जा और अन्य सेवा कार्यों में लगी रही। मंदिर में भव्य आतिशबाजी भी हुई। बीते दिन मंदिर में संपन्न हुई निशान यात्रा के पश्चात आरती हुई और विशाल भंडारा किया गया। शोभा यात्रा में प्रधान सुभाष सुखीजा, उप प्रधान एलडी कंबोज, सचिव अटल शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश मोदगिल, आशीष चोपड़ा, विनीत राजपाल, राजू छाबड़ा, अशोक शर्मा, राकेश चौहान, अशोक अरोड़ा, लवकेश शर्मा, विजय गुलाटी, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, अनिरुद्ध, ललित अत्री, साहिल शर्मा, नरेश सैनी, बिशनगढ़, सुरेंद्र काठपाल, शेर सिंह शेरा, कृष्ण कुमार, हिमांशु मल्होत्रा, अंशु, अनमोल गौरव, शंटी, अंशुमन, सर्वेश, शुभम, कपिल सोनी और राजीव बारना सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष में आज विशाल श्री श्याम जागरण शुक्रवार आज यानी 8 नवम्बर को शाम 6 बजे से अर्धरात्रि तक चलेगा। इस विशाल भव्य जागरण में इंदौर मध्य प्रदेश से अधिष्ठा अनुष्का, गुरुग्राम से नरेश सोनी, सोनीपत से श्री भगवान दीक्षित और पिहोवा से बंटी पांचाल श्याम गुणगान करेंगे। कार्यक्रम में गीतम ऋषि, स्वामी ज्ञानन जी महाराज मुख्य यजमान रहेंगे और गुरु ब्रह्मानंद आश्रम से साध्वी दर्शना देवी के आशीर्वचन होंगे। इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशाल भव्य जागरण में मुख्य अतिथि और सांसद नवीन जिंदल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा करेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बाबा के जन्मोत्सव की गतिविधियां
पिछले दो दिनों से जारी है और कल जो मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित होगा, जिसमें बहुत प्रसिद्ध जो है वो सिंगर हमारे नरेश सैनी जी वो आ रहे हैं। अनुष्का अनुष्का दोनों बहनें इंदौर से कल कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रही हैं। जय भगवान दीक्षित जो है सोनीपत से, भगवान दीक्षित जी सोनीपत से आ रहे हैं और बंटी पंचाल पेहवा से कल अपने भजनों से बाबा को मंत्रमुग्ध करेंगे। मेरा सभी शहर निवासियों से, आसपास के जितने हमारे कस्बे हैं, शहर हैं, उन सबसे प्रार्थना है कि इस भव्य आयोजन में आकर के बाबा का आशीर्वाद लें, बाबा का गुणगान सुने और सबको जो है बाबा आशीर्वाद दे, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने अपने काम में रहें। हाँ, इसे में मुख्य अतिथि जो है कल के हमारे मुख्य अतिथि सीएम जो है श्री नायब सैनी जी होंगे, श्री नवीन जिंदल जी विशेष जो है अतिथि होंगे, विशिष्ट अतिथि होंगे और अध्यक्षता जो है पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी करेंगे। सुभाष सुधा जी का हमारी इस संस्था पे विशेष आशीर्वाद रहा है, शुरू से उनका योगदान रहा है, कल भी वो अपने यहाँ पे अपने कार्यक्रम में अध्यक्षता करके अपना फर्ज निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप, एनी डाउट किदा खेडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुके दाग ले है सर्फ एक्सेल मैटिक हुन नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।